नमस्कार, निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और वीडियो लेकर मैं आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक शानदार बालकनी का डिज़ाइन दिखाने वाला हूँ। इस बालकनी का खासियत यह है कि बहुत ही कम पैसा में ये बन जाता है और आपका घर का लुक को कई गुना तक बढ़ा भी देता है। तो चलिए देखते हैं पार्ट वाइज के आखिर इससे कैसे बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि छत की ढलाई के समय 3 फीट का यहाँ पर छज्जा निकाला गया है और छज्जा की मजबूती के लिए आप देख सकते हैं कि नीचे में बीम भी प्रोवाइड किया गया है ताकि छज्जा मजबूत रहे। अब चलते हैं बालकनी की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि साइड वाला जो दीवार है वहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो इसे ढलाई के द्वारा बनाया गया है और काफ़ी यहाँ पे जालीदार बनाया गया है ताकि दीवार का भी काम हो जाए और उधर से हवा भी मिले और आप अंदर से सारी चीज़ें देख भी पाए। आप देख सकते हैं कि 6 इंची का ढलाई है, फिर 6 इंची का जो जगह है वो खाली रखा गया है। इस टाइप से नीचे से लेकर ऊपर तक यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है। तो ऐसा में फ़ायदा ये हुआ कि आप अंदर से बाहर की सारी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं, आपको हवा भी मिलती रहेगी और आपके बालकनी को एक शानदार लुक भी मिलेगा। तो देख लीजिए सामने से कुछ इस तरीके से काम किया गया है। हालांकि पैरापेट का वाल है उससे भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीक़े से बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बालकनी का जो वाल है, मैं हल्का जूम करके आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो खाली जगह वहाँ पे पैरापेट का रेलिंग लगाया जाएगा और हल्का मैं जूम करके आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। आप देख सकते हैं कि ये 5 इंची का ही पैरापेट वाल यहाँ पर लगाया गया है और उसमें देखेंगे तो 5 आपको नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो कि ईंट की मदद से ही, जब इसकी जुराई किया जाता है तो ईंट को बाहर निकालते समय लगाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 रद्दा चलाया गया है एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक और इधर का जो मैक्सिमम हाइट है वो 3 फीट रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉर्नर पर हाइट इसका 3 फीट है और यहाँ पे है वो स्लोप डिज़ाइन लगाया गया है इसके लुक को बढ़ाने के लिए और जो खाली जगह है वहाँ पर लगा दिया जाएगा स्टेनलेस स्टील का रेलिंग। तो नज़दीक करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ब्रिक वर्क के द्वारा इसे बनाया गया है। जब ईंट की जुराई यहाँ पे किया जाता है तो उसे 3 से 4 इंची बाहर निकालते हुए आप आसानी के साथ इसे जुराई करवा सकते हैं और बाद में एक अच्छे मिस्त्री के द्वारा प्लास्टर कराते हुए इसका कोर का ख्याल रखते हुए आप बना सकते हैं। तो ये है फुल लुक। अगर आप 1, 2 या फिर 3 तला तक घर बनाते हैं तो उसके पैरापेट वाल में भी आप इस तरीके का जो पैरापेट वाल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खिड़की है इसका वो भी देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन का है, स्टेप डिज़ाइन लगाया गया है और ये डोर है और यहाँ पे ये खिड़की है। तो शानदार बालकनी आप बना सकते हैं अपने घर के लिए, अपने घर का लुक को बढ़ा सकते हैं। ऊपर में जो खाली जगह है वहाँ पर भी रेलिंग लगा दिया जाएगा, नीचे में भी रेलिंग लगा दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको आने वाले दिन में देखने को मिलेगा। जब इसका कलर का काम कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोग के लिए वीडियो फिर से अपलोड कर दूँगा और भी ज़्यादा आइडिया आप इस डिज़ाइन के बारे में लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।